नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भिलवाड़ा से। सेवा व सुमिरन की पावन धरती गुरुद्वारा श्री कलगीधर बागोर साहब में रविवार को गुरु गोविंद सिंह जी 394वें प्रकाश उत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ कोविड-19 की पालना करते हुए मनाया गया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की आगमन स्थली बागो साहब में शनिवार को भी गुरुद्वारा प्रांगण में रात्रि के समय अमृतसर से आए हुजूरी रागी जत्थे द्वारा किए गए कीर्तन में विशेष दीवान होकर महान कीर्तन जत्थे व कथावाचक ने संगत को भी निहाल किया। वहीं रविवार को प्रकाश पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित हुए। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह अपनी दक्षिण यात्रा के दौरान 17 दिनों तक बागोरगढ़ में रुके थे और इसी गढ़ में उन्होंने अनेकानेक ऐतिहासिक निर्णय भी लिए थे, जिनकी याद में संत बाबा लखा सिंह आजमगढ़ कोटा वाले की अगुवाई में यहां धवल रंग का ऐतिहासिक गुरुद्वारा निर्मित हुआ है, जहां पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी को अनवरत जारी रखते हुए हर वर्ष के जनवरी माह के रविवार को यहां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके चलते हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बागोर साहब में रविवार को 21वां प्रकाश पर्व मनाया गया। भीलवाड़ा में रविवार को 108 लोगों ने कोरोना की जांच करवाई, जिसमें से 12 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला ने बताया कि रविवार को 12 व्यक्तियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जिले में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,664 पहुंच चुका है। जिले में अब तक 10,100 रोगी संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। शहर में हो रहे नगर परिषद चुनाव को लेकर 70 वार्डों में भाजपा व कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने पूरी ताल ठोक रखी है और कई वार्डों में स्थिति त्रिकोणीय बनी हुई है। लगातार पार्षद उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। शहर की गली मोहल्ले में पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं, जहां कार्यकर्ता मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं पार्षद प्रत्याशी रैलियां निकालकर प्रदर्शन में जुटे हैं। अरे हाँ, पीछे हो ना यार, अरे पीछे हो जाओ ना यार, आ रहे हैं। अरे पीछे हो ना इधर। भीलवाड़ा नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कई वार्डों में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। पूनिया की शहर में पुर से लेकर सांगानेर तक रैली भी निकाली गई। चुनाव प्रचार के बाद सतीश पूनिया के सूचना केंद्र स्थित प्रेस क्लब में प्रदेश में हो रहे 90 निकायों और आगामी उपचुनाव को लेकर विशेष बात की हमारी संवाददाता प्रहलाद तेली ने। में हो रहे 90 निकाय चुनाव के साथ ही होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के दौरे पर निकले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज भिलवाड़ा पहुंचे हैं और इन चुनावों को लेकर भाजपा की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। जी सर, देखिए, सरकार और कांग्रेस पार्टी सो के उठेगी तब तक हम आधा काम कर चुके होंगे। हमने बहुत पहले प्रभारी तय किए और उन्होंने बहुत ज़मीनी तौर पर काम शुरू कर दिया है और इसी सिलसिले में मैंने लगभग तीनों विधानसभा चुनावों को जहां उपचुनाव प्रस्तावित थे उसका दौरा भी पूरा कर लिया है
और आने वाले समय में संगठन की रचना को बहुत नीचे तक मुस्तैद भी करेंगे। और आज से बड़ी व्यापक चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं से कि स्थानीय मुद्दे किस किस्म से हों और किस प्रभावी तरीके से हम उसको उठाएं, और सामाजिक तौर पर भी पार्टी की किस विंग को कैसे सक्रिय करें। हमारे अग्रिम संगठनों को हमने एक स्पेशल टास्क दिया है कि वो पूरी सोशल इंजीनियरिंग के साथ में उस क्षेत्र के लोगों से रूबरू हों, उनके बीच में संवाद करें। तो संगठनात्मक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी हम लोगों ने धरातल पर काम शुरू कर दिया, और इसी आधार पर कह सकता हूँ कि नीचे कांग्रेस के खिलाफ एक आक्रोश दिखता है और पार्टी के कार्यकर्ता मनोबल से उत्साह से लबरेज हैं। कल आपका एक बयान है कि मध्यावर्ती चुनाव हो सकते हैं, क्या है इसके पीछे? क्या भाजपा कोई तैयारी कर रही है या कांग्रेस अपने आप ही? कांग्रेस निपट रही है, देश में तो निपट गई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ढाई प्रदेशों में सरकार है। राजस्थान बचा था जिसमें भी 0.5% से वो सत्ता में आए थे, लेकिन मेरे इस कथन का भी आधार है क्योंकि सरकार बहुत अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो चुकी है। 6 बीएसपी के विधायकों की सदस्यता का मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है क्योंकि असंवैधानिक तरीके से वो मर्जर हुआ था। ये चुनाव होंगे, इन चुनाव में कांग्रेस हारेगी और इस हारने के बाद में कांग्रेस निश्चित रूप से अल्पमत में आएगी, और ऐसी अल्पमत सरकार जो जुगाड़ के बहुमत से चल रही थी चला नहीं पा रहे थे। तो ऐसे समय में जब इस तरीके की अस्थिरता होती है तो मध्यावधि चुनाव से इनकार नहीं किया जा सकता। बराबर कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती कि भाजपा अस्थिर करने को तुली हुई है। नहीं, हम अस्थिर करने पर नहीं तुले, वो गिरने पे तुले हुए हैं, उसको बचाने का ठेका हमने नहीं लिया। वो गिरेंगे तो हम तमाशा जरूर देखेंगे। बिल्कुल। तो ये थे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश जी पूनिया, जिन्होंने प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के साथ ही प्रदेश में जो कांग्रेस के जो सरकार के जो हालात बने हुए उन पर चर्चा की। के लिए मैं भिलोड़ा से प्रहलाद तेली। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन संगीता लोधा कार्यकारी अध्यक्ष रालयता एवं प्रशासनिक न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में दोपहर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के बालिकाओं ने यूट्यूब लिंक के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्ट को सुनकर लाभ लिया। सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट एवं कार्यक्रम संयोजक प्रेम शंकर जोशी के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मनु शर्मा के निर्देशन में कक्षा 11th व 12th की लगभग 100 बालिकाओं ने विद्यालय प्रांगण में कंप्यूटर एवं लैपटॉप के माध्यम से लाइव ब्रॉडकास्टिंग को सुना एवं लाभ प्राप्त किया। इस अवसर पर जोशी ने इन्हें बालिका अधिकारों एवं हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अवसरों की जानकारी प्रदान की तथा फ्री बींग मी रहते हुए आगे बढ़ने का संकल्प दिलाया। कार्यवाहक प्रधानाचार्य नाहर सिंह मीणा ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। बालिकाओं को वर्चुअल कार्यक्रम का लाभ दिलाने में मधु लड्ढा, ममता शर्मा, प्रेम भंडिया, इंदिरा शर्मा, अशोक तंवर, विकास जोशी, गजेंद्र पोखरान ने विशेष सहयोग प्रदान किया। भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले जिला स्तरीय मुख्य समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल में सलामी व मार्च पास्ट का एडीएम प्रशासन राकेश कुमार ने निरीक्षण किया। वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के चौराहे व सरकारी कार्यालयों पर रोशनी की गई। साथ ही शहर में सूचना केंद्र, चौराहे सहित कई जगह गणतंत्र दिवस के लिए तिरंगे झंडे व अन्य सामग्री की बिक्री होने लगी है। गुजर जाने की तमन्ना सदैव अपने मन मस्तिष्क में रखती है। राष्ट्रीय दिवस को सलाह दे सकते हैं गणेश लाल के नेतृत्व डेढ़ मास आगे बढ़ता हुआ चेरती हुई ठंडी लहरों के बीच में। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं एक ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC फर्निश्ड रूम एंड वन हॉल 20,000 स्क्वायर फीट गार्डन वेल पार्किंग फैसिलिटी नियर बाय सिटी एक कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मैरिज कंप्लीट इवेंट रूम फैसिलिटी इकोनॉमिक चार्जेस।
रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इटालियन फूड, लंच, स्नैक्स, चाइनीज फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट, डिनर, पंजाबी फूड। वेलकम टू मालू हॉस्पिटल, भीलवाड़ा बेस्ट ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट हॉस्पिटल। मेडिकल स्टोर विद 24/7 अवेलेबिलिटी, हाईटेक एक्सरे इक्विपमेंट्स, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आईसीयू विद हाई फैसिलिटी, कंप्यूटराइज लेबोरेटरी, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर, highly classified surgeons, facilitated physiotherapy center, hygienic general ward, air conditioned deluxe and super deluxe room, A16 front of Mahila Ashram College, Vijay Singh Patiknagar, Bhilwara। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनु शर्मा, प्रदेश महामंत्री राकेश पंचोली ने प्रदेश कार्यालय अंकुश पॉइंट महावीर पार्क के पास भिलवाड़ा में कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित कर एडवोकेट अनीता व्यास को भिलवाड़ा जिला अध्यक्ष मनोनीत किया। संयुक्त सचिव राहुल चास्टा, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश व्यास, कश्यप चतुर्वेदी, प्रदेश संगठन मंत्री उमेश शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष मुकेश त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष मनीष पारिक, जिला उपाध्यक्ष चेतन पारिक, ओम प्रकाश पारिक, पूर्णमल जोशी, शिवराज शर्मा, कमल तिवारी, विष्णु प्रसाद शर्मा, दिनेश शर्मा, वीणा शर्मा, रेखा ओझा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा गोटेवाला ने कार्यकारिणी एक माह में गठित कर आगामी कार्यक्रम तय करने के लिए निर्देशित किया। नव मनोनीत जिला अध्यक्ष एडवोकेट अनिता व्यास ने समस्त ब्राह्मण समाज हित में कार्य करने एवं महिला संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। नगर के पंचवटी कच्ची बस्ती में रविवार को बालिका दिवस मनाया गया, जिसमें 60 बालिकाओं ने भाग लेकर हास्य योग का अभ्यास किया। आयुष योग अनुदेशक उमाशंकर शर्मा द्वारा हास्य का अभ्यास व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी बालिकाओं को दी गई। लाडो स्पोर्ट्स एकेडमी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर समाज की वंचित बस्ती में जाकर बालिकाओं को स्वस्थ रहने और खेल के माध्यम से अपने आप को निरोगी कैसे रह सकते हैं, यह बताया गया। राठौर ने कहा कि भीलवाड़ा में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाले संतोष चंदेल और उनकी टीम इन बच्चों के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। योग शिक्षिका अभिलाषा व्यास ने बच्चों को योग के बारे में जानकारी प्रदान की। बालिकाओं को गर्म कपड़े वितरण शिल्पा शर्मा, मुकेश शर्मा दंपति द्वारा वितरण किए गए। कार्यक्रम में विकास मेहरिया, रचना धोबी, निधि सिंह, किशन मालावत, केशव राठौड़, अखिल राज सिंह, आदर्श पाराशर आदि का सहयोग रहा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भीलवाड़ा विभाग की बैठक का आयोजन चित्तौड़ प्रांत महामंत्री पंकज झा सरकार, चित्तौड़ प्रांत महिला उपाध्यक्ष रेखा लोढ़ा स्मिथ के निर्देशन में हुआ। बैठक में परिषद की आगामी कार्य योजनाओं पर चर्चा करने के साथ साथ जिला और महानगर कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। विभाग संयोजक जग जितेंद्र सिंह ने बताया कि भीलवाड़ा महानगर संरक्षक रविकांत सनाडे, डॉ बीएल गर्ग, फतेह सिंह लोढ़ा अध्यक्ष, डॉ कैलाश पारिक, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम सुंदर तिवारी, महामंत्री योगेश दादिच, उपाध्यक्ष सतीश व्यास, सूर्य प्रकाश पारिक, महिला उपाध्यक्ष शशि ओझा, महिला मंत्री अमिता पारिक, कोषाध्यक्ष प्रहलाद कोठारी, तकनीकी समन्वयक रोहित विश्नोई, प्रचार प्रसार मंत्री सूर्य प्रताप सिंह देथा, युवा प्रकोष्ठ संयोजक रामेश्वर को मनोनीत किया गया। इसी तरह भीलवाड़ा ग्रामीण संयोजक बाल मुकुंद सुखवाल, सह संयोजक अशोक बिरला, युवा प्रकोष्ठ संयोजक जयदेव अजीत सिंह कोटड़ी, सह संयोजक मुकेश सिंह बड़वा को मनोनीत किया गया। शाहपुरा संयोजक अंजनी कुमार समर्थ, सह संयोजक सत्यनारायण सेन, आसीन संयोजक दिनेश तिवारी, सह संयोजक हेमंत चौबे को मनोनीत किया गया। आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने रविवार को पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा के नेतृत्व में कस्बे के प्रमुख मार्गों में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च पुलिस थाना से शुरू होकर बस स्टैंड, सदर बाजार, नौ चौक, चमन चौराया, कल्याण मंदिर, खोला मोहल्ला, हरिजन बस्ती होते हुए कस्बे के प्रमुख मार्गों पर निकला। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक महावीर शर्मा, थाना प्रभारी हरीश सांखला सहित पुलिस जाप्ता साथ रहा। पुलिस उपाधीक्षक शर्मा ने बताया कि पालिका चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। चुनाव के दौरान शांति बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस निगाहें बनाए हुए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि पालिका चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अशांति नहीं करें, अन्यथा पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लायंस क्लब टेक्सटाइल सिटी में प्रांतपाल की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। प्रांतपाल एमजेएफ लायंस संजय भंडारी, उप प्रांतपाल लायंस सुधीर गोयल, कैबिनेट सचिव श्याम नागोरी, हेडक्वार्टर सचिव अविनाश सिसोदिया, रीजनल अध्यक्ष विनोद जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन वागरेजा, ललित सांकला उपस्थित थे। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष के आर गिल्होत्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट को ₹1,00,000 का चेक दिया, $1,000 ACI फंड में देकर एमजेएफ की पदवी प्राप्त की। काम में इस मंदिर निर्माण में हम जितना सहयोग दे सके हमें देना चाहिए, और गिल्होत्रा जी ने पूरे मन से सहयोग दिया, इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर एवं माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध शिक्षण एवं शोध के विविध आयाम विषय पर 6 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महाविद्यालय के EAFM विभाग द्वारा संचालित इस पाठ्यक्रम में राज्य की विभिन्न महाविद्यालयों के सह तथा सहायक आचार्य। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।